हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज बच्चों, शीट का डिस्कशन तो थोड़ा सा हो गई होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कई बच्चों को लगे कि शीट का डिस्कशन है आज, तो बस सिर्फ शीट का डिस्कशन नहीं होगा। शीट का डिस्कशन अब हम रेगुलर किया करेंगे। हो क्या रहा था बच्चों, मैं 3 दिन पढ़ा रहा था, फिर एक दिन शीट का डिस्कशन। वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता है शीट में ना, फिर शीट के डिस्कशन को उतना सीरियस नहीं ले पा रहे थे आप लोग ना। तो अब वो डिस्कशन वाली जो कहानी है वो बच्चों डेली बेसिस पे होगी। स्टार्टिंग के 30 मिनट डिस्कशन, देन आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? दीपक, गुड आफ्टरनून। प्रिंस, गुड आफ्टरनून। राहुल, हेलो राहुल। ओके, आ जाने देते हैं एक बार सबको। गुड आफ्टरनून मानसी। ओके, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा। सो करें भाई, स्टार्ट करें फिर। तो मैंने तुम लोगों को बच्चों कुछ होमवर्क दिया था। हमारा जो है ऑलरेडी यहाँ तक ये सब डिस्कस हो गया था, नहीं 15 तक डिस्कशन हुआ था, ठीक है? 15 तक मैं डिस्कशन कल करा दिया था तुम लोगों का, और 15 से बच्चों आगे हम लोग जो है करीब 15 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे, 5 उधर डिस्कस करेंगे, आधा घंटा डिस्कशन। एंड आफ्टर दैट हम जो है मैं तुम लोगों को आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। 1 मिनट बच्चों। चलो अभी काम चलाते हैं इससे। मिनट बच्चों, ने थोड़ी सी इसकी सेटिंग गड़बड़ हो रखी है। अब ठीक आ रहा होगा। अब ठीक है, आज का काम चला लेते हैं इसे, ठीक है? ज्यादा छेड़ते नहीं, लास्ट में डिस्कशन नहीं हो पाता, क्योंकि लास्ट में मुझे पढ़ाने की लगी रहती है कि ये टॉपिक कर दूं, ये टॉपिक कर दूं, कभी नहीं हो पाता। मैंने ट्राई कर रखा है उसको, और लास्ट ईयर भी बच्चों में यही मेथड फॉलो करता था कि रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन होता था। डिस्कशन को क्यों तुम इतना मतलब क्यों अवॉइड करते हो? सबसे पहली बात, डिस्कशन से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं। कितना भी अच्छा पढ़ा लो कोई फायदा नहीं होना उससे। चलिए भाई, सो स्टार्ट करते हैं। 16 से लेके बच्चों 20 तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, 16 से लेके 20 तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो जल्दी से बता दो। 16 से लेके 20 तक, 16 से लेके 16th एंड 19th, राहुल को डाउट है 16th एंड 19th। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एज दिस, ठीक है? वेयर ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। अच्छा, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आप देख रहे हो बच्चे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना क्या कर रही है, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, मतलब इसकी स्पीड चेंज हो रही होगी। सो यहाँ पे बच्चों एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक होगा बच्चों सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल तो बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, लेकिन टेंजेंशियल जो होता है ना बच्चों ये डी वी का मतलब जो स्पीड का रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है, ठीक है? अगर आप फोर्स पता करना चाहते हो तो फोर्स तो बच्चों इन दोनों के हिसाब से आएगा। मैं यहां पे ये देख सकता हूं कि हाफ एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इन्होंने ए एस स्क्वायर के बराबर दे रखी है मेरे को, ठीक है? ओके, सो यहां से बच्चों अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं
तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा मेरे पास 2 डिवाइड बाई 2 एम इंटू वी इंटू डी वी डिवाइड बाई डी टी, और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 ए इंटू एस डी एस डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर। डी एस बाई डी टी बच्चों अगेन वी के बराबर होगा, वी से वी कट जाएगा, यहाँ पे बच्चों 2 से 2 कट जाएगा। और अगर मैं देखूँ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो डी वी बाई डी टी आ रहा है ना बच्चों, वो मेरे पास 2 ए इंटू एस डिवाइड बाई एम के बराबर आ रहा है, ठीक है। सो जो टेंजेंशियल फोर्स होगा ना बच्चों, वो एम इंटू ए टेंजेंशियल के बराबर होगा, मतलब वो 2 ए इंटू एस के बराबर होगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा बच्चों, वो एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, एम वी स्क्वायर, यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2a into s square divided by r के बराबर। ये दो फोर्स हो गए, दोनों परपेंडिकुलर होंगे बच्चों, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा रूट के अंदर f t का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। इनको बच्चों यहाँ पुट कर दो तो देखो 2as जो बाहर आ रहा है वो बाहर आ जाएगा, 1 plus का s square upon r square will be the answer, ठीक है। तो 16वें क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे। अच्छा, इतने क्वेश्चंस डाले हैं बच्चों मैंने इसमें इस टॉपिक से कि मतलब अब तो भूल के भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम इन क्वेश्चंस में गलती करके आओगे। जो बच्चों को रटा हुआ रहता है ना कि सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स होता है सेंट्रीपिटल, वो लफड़ा खत्म हो गया बच्चों हो जाना चाहिए यार। देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इस चीज को ना, तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ना बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अ बॉय वर्ल अ स्टोन इन द हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ 1.8 मीटर अबव द ग्राउंड बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग विद रेडियस ऑफ दिस व्हाइल वर्लिंग द स्टोन string was horizontal, it breaks the stone, flies off horizontally striking the ground 9.1 meter away. The centripetal acceleration during the circular motion was nearly, ठीक है। सो ये बंदा बच्चों ऐसे करके, अगर आप ऊपर से देखोगे ना, टॉप व्यू देखोगे तो ये ऐसे करके इसको घुमा रहा है, ठीक है। मान लो इसकी वी स्पीड थी और इसकी लेंथ कितनी थी बच्चों, लेंथ कितनी थी 1.2 मीटर के बराबर। ये बताए आपसे क्या पूछ रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब v स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू पूछ रहे हैं, v स्क्वायर अपॉन 1.2 की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे ना, ये v पता करना है आपको। अब बच्चों देखो, साइड से जब तुम देखोगे ना तो ये हो गया ग्राउंड और यहां पे ये ऐसे घुमा रहा है इसको ना, इस वाली एक्सिस का, और तो वेलोसिटी किधर की तरफ होगी बच्चों, अंदर की तरफ ऐसे करके घुमा रहा था इसको, समझ रहे हो, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी और अंदर की तरफ होगी, ये बच्चों होगी इसकी हाइट। तो क्या ये बच्चों, अगर तुम इधर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा है, ये कि एक प्रोजेक्टाइल का केस नहीं दिख रहा है बच्चों, यहां से इधर से देखने पे जो ऐसे करके जमीन पे जाके उधर गिर जाएगा, अंदर गिरेगा बच्चों, क्योंकि रस्सी तो टूट चुकी है, अब ये सर्कल पे तो घूमेगा नहीं, अंदर की तरफ बच्चों ऐसा मोशन करेगा नहीं करेगा। और ये डिस्टेंस हमें दे रखी है बच्चों 9.1 मीटर के बराबर। इसका जो टाइम होगा बच्चों t इक्वल टू रूट के अंदर 2h डिवाइड बाई g के बराबर होगा, ठीक है। तो जो 9.1 है ना बच्चों, वो v इंटू टी के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो 9.1 जो है v इंटू टी के बराबर होगा, तो v की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम लोग, तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9.1 डिवाइडेड बाई टाइम रूट के अंदर 2 इंटू h, एच कितना दे रखा है हमें 1.8 डिवाइड बाई रूट के अंदर जी, ये 9.8 दे रखा है। हाँ यार, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगी, लाओ बच्चों इसको यहाँ पे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि उसका स्क्वायर है, 9.1 का स्क्वायर कुछ कटेगा भी क्या है किसी से, 9.1 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.8, ये तो हमें किसी से कटता भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले लेता हूं बच्चों ना, देखो इससे मैं काट दूंगा करीब 0.2 टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 49 और नीचे 2 लिखा हुआ है, करीब करीब 25 नंबर 1। अच्छा ये 1.2 भी है यहां पर ना, 1.2 तो 2.2
फोर हो गया, 2.4 से अगर इसको काटोगे ना बच्चों, 2.4 तो करीब करीब ये 20 बार कटेगा, 9 18 कुछ 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब आएगा अप्रोक्स जो आ रहा है। तो मतलब कैलकुलेशन गंदी है इसकी ना बच्चे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी गंदी है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास ना, एटींथ भी पूछा ही है आप लोगों ने, 17 18 19 आ रही है, ठीक है 17 18। इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द टू पार्टिकल ऑफ सेम मास आर इन द रेशियो ऑफ दिस, देन इन ऑर्डर टू हैव द सेम सेंट्रीपिटल फोर्स देयर स्पीड शुड बी इन द रेशियो ऑफ। ये भी पूछ लिया तुम लोगों ने यार, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यार ये क्वेश्चन तो मतलब नहीं पूछा जाने लायक था, v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर2, इनको डिवाइड ही तो करना था, सेंट्रीपिटल फोर्स सेम रखना है, ये इजी था। सॉरी। हाँ जी 19th वाला, 19th देखते हैं ठीक है। अ टॉय कार्ट अटैच टू द एंड ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, अनस्ट्रेस्ड व्हेन रिवॉल्व मूव्स इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2a विद टाइम पीरियड t। अच्छा ये जो रस्सी है ना बच्चों, अगर कभी भी लिखा मिले ना कि हुक्स लॉ होल्ड्स, ठीक है ये हुक्स लॉ कभी भी दे रखा हो, या इलास्टिक वर्ड यूज कर रखा हो रस्सी के लिए, दिस इज नॉट इन इलास्टिक, इन इलास्टिक होती है तो उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, ये इलास्टिक है बच्चों, इलास्टिक मतलब दिस बिहेव लाइक अ स्प्रिंग, तो आप ऐसे समझो कि उसकी लेंथ क्या थी बच्चों ए, और घूम किस में रही है बच्चों, किस रेडियस के सर्कल में घूम रही है, 2ak में, ठीक है ना, तो इसमें एक्सटेंशन आ गया होगा कितना है a के बराबर, तो अगर मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k मानूं तो k इंटू ए ये होगा फोर्स, ठीक है ये फोर्स लग रहा होगा, और दिस शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2a, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास रूट के अंदर k डिवाइड बाई m इंटू 2 के बराबर, ठीक है ये पहले वाले केस में ओमेगा आ गया। नाउ द कार्ट इज स्पीडेड अप अंटिल इट मूव्स इन अ रेडियस ऑफ 3a, 3a रेडियस के सर्कल में घूम रही है, मतलब एक्सटेंशन कितना होगा, लेंथ उसकी ऑलरेडी a है तो एक्सटेंशन होगा 2a के बराबर, तो k इनटू 2a, अब दोबारा वाले केस में m ओमेगा 2 का स्क्वायर इनटू 3a, तो अब जो ओमेगा 2 आएगा ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी रूट के अंदर 2k डिवाइड बाई 3m के बराबर। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों समझ में आ गए बच्चों। अब T2 जो होगा दैट इज जो T' इन्होंने बोला है 2π/ω2, T1 जो होगा बच्चों वो 2π/ω1 होगा, T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू ω1 डिवाइड बाई ω2, ω1 डिवाइडेड बाई ω2, इससे इसको डिवाइड करोगे 3/4 आ रहा होगा, ठीक है यस, इसमें थोड़ी सी गलती थी शायद, इसमें यहाँ पर ना ये लिखा हुआ था रूट के अंदर 3/2 t, ये है शायद ना इसका, इसके ऑप्शन में कुछ गलती है मुझे याद है पिछली बार से, ठीक है भाई। ये था बच्चों आपका 19th वाला। अब बताओ बच्चों 25 तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, 25 तक, अप टू 25 जो जो डाउट्स हो जल्दी से पूछ लो, अप टू 25। और कोई डाउट है बच्चों किसी को 21 के अलावा? भाई जिनको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है ना मेरे से, करीब करीब 12:40 पे आया करो, 21 22 25 21 22। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी को वेरिएबल दे रखा है इन्होंने ना, पावर डिलीवर्ड। देखो बच्चों एक बात बताओ, ये वेलोसिटी है, इधर होता है बच्चों सेंट्रीपिटल, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की पावर आती है यहां पे? नहीं। हाँ अगर कोई टेंजेंशियल फोर्स होगा इन दोनों की वजह से पावर आएगी, तो
तो बच्चों सर्कुलर मोशन में अगर पावर आती है ना, तो वो एफ टेंजेंशियल इंटू वी के बराबर आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एफ टेंजेंशियल इंटू वी के बराबर आती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर की जो वैल्यू है ना, हमें क्या दे रखी है, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर के बराबर। अगर मैं यहां से वी देखू ना बच्चों, तो वो के आर टी के बराबर दे रखा है। क्या मैं यहां से डीवी बाई डी टी पता कर सकता हूँ, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, तो बच्चों के आर के बराबर आ जाएगा। तो क्या टेंजेंशियल फोर्स पता किया जा सकता है, एम इंटू ए टी के बराबर होगा, एम के इंटू आर के बराबर होगा बच्चों टेंजेंशियल। तो पावर क्या आएगी बच्चों, एफ टेंजेंशियल इंटू वेलोसिटी के बराबर। वेलोसिटी कितनी है बच्चों, के आर टी के बराबर, तो एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी के बराबर बच्चों हमारे पास आ जाएगा, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर। या काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज करके भी देख सकते थे हम लोग ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी पता करके, काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज करके भी कर सकते थे बच्चों हम इसको ना। ओके 21 के बाद था 22 23। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सबने प्लान कर लिया कि सब ना, तू ये पूछ तू ये पूछ तू ये पूछ, बस एक छोड़ना है पांच में से ना। 22 23 एंड 25। 22 क्या है, ये तो कराया था ऐसा क्वेश्चन बच्चों, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा कि ये स्पॉट वाला क्वेश्चन कराया था, वही तो है। बोट बच्चों जा रही है, द बोट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस, ऐसे करके जा रही है, इस डिस्टेंस को एक्स मान लो। ऑब्जर्वर कहाँ है बच्चों, यहां पे खड़ा हुआ है। अब वो देख रहा है ये वाली लाइन, मतलब इस लाइन का रेट ऑफ रोटेशन ओमेगा, ओमेगा जो है डी थीटा बाई डी टी होगा। एक्स की वैल्यू जो है ना बच्चों, वो 30 tan थीटा के बराबर होगी। तो डी एक्स बाई डी टी हमें गिवेन है, तो ये 30 sec² थीटा डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देना बच्चों 45 डिग्री के बराबर, और डी एक्स बाई डी टी तो बच्चों में पता है कि वी के बराबर है ही, डी एक्स बाई डी टी बच्चों वी के बराबर है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो वो वाला क्वेश्चन जो था ना, स्पॉट की जो वेलोसिटी, उसी का बस एक डिक्टो वही प्रॉब्लम दे दिया था। 23, अ लार्ज मास कैपिटल एम हैंग्स स्टेशनरी एट द एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग दैट पासेस थ्रू अ स्मूथ फिक्स्ड रिंग ऑफ मास कैप एम दैट मूव्स अराउंड द दिस 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 इफ द लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम एम टू द टॉप ऑफ द ट्यूब एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस पार्ट एंड द वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, देन टाइम टेकन बाई एम टू कंप्लीट वन सर्कल इज इक्वल टू। देखो बच्चों ये जो है ना, ऐसे करके घूम रहा होगा इस सर्कल में ना, यहाँ पे जो टेंशन होगा ना बच्चों, वो कैपिटल एम जी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे कैपिटल एम जी लग रहा होगा, तो रस्सी तो सेम है ना। यहाँ पे बच्चों स्मॉल एम जी लगी रहा होगा, इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, मतलब कैपिटल एम जी कॉस थीटा इधर आएगा और कैपिटल एम जी साइन थीटा बच्चों इधर आएगा। हमें ये पता है कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो रहना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेगा। कैपिटल एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम जी हमारे पास आ जाएगा। एक तो बच्चों कैपिटल एम और स्मॉल एम में एक रिलेशन आ गया। अब अगर आपको याद हो तो ये कॉनिकल पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चों, 2π√ के अंदर एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर होता था। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम लाके आपको बस यहां पे पुट कर देनी है, एंड यू गेट द आंसर। भाई ये कॉनिकल पेंडुलम ही तो बनाएगा, अरे ये कहीं जा नहीं रहा, मतलब ऐसा लग रहा है ये रस्सियां में बंधी हुई और ऐसे घूम रहा है सर्कल में। कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कल मैंने डिराइव करवाया था आपको, ठीक है। तो बस 24 पूछा नहीं किसी ने, 25 ऐसा कल लास्ट में कराया था मैंने। थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल आर ज्वाइंट टुगेदर बाई द थ्रेड एज शोन इन द फिगर, ऑल द थ्री पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द पॉइंट ओ, इफ द स्पीड ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज वी नॉट देन द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द थ्री स्ट्रिंग्स। देखो बच्चों अगर इसको पूरा टाइम ऐसे ही रहना है, तो इनके द्वारा एंगल जो है ना बच्चों सारे के सारे बराबर चलेंगे, दिस एंगल, तो ओमेगा सबका बराबर होगा,
सबने सेम एंगल रोटेट किया होगा बच्चों। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें इसकी स्पीड दे रखी है वी नॉट, क्या हमें इनकी भी स्पीड वी नॉट लेनी चाहिए? नहीं, ओमेगा सेम होगा, तो ओमेगा इंटू 3L जो है हमें वी नॉट के बराबर दे रखा है। तो ओमेगा इंटू 2L बच्चों किसके बराबर आएगा? ओमेगा इंटू 2L ये आएगा बच्चों 2V0/3 के बराबर। इसकी स्पीड 2V0/3 के बराबर होगी। ओमेगा इंटू एल किसके बराबर आएगा? ये आएगा V0/3 के बराबर। इसकी स्पीड बच्चों V0/3 होगी। स्पीड की जरूरत नहीं थी हमें, पर मैं तुम्हें जस्ट इस चीज को समझा दिया हूं। हम तो ओमेगा लेके भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें तो रेशियो पूछा है, तो हमें पता है कि सारे के सारे, क्योंकि रस्सी बच्चों पूरी एक साथ सेम एंगल रोटेट करेगी ना, सारे के सारे का साथ में रोटेट करवाने हैं। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, सो बच्चों यहां जो टेंशन होगी ना, इसको अगर मैं T3 बोलूं, तो T3 जो होगा वो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L के बराबर होगा। यहाँ पर जो T2 होगा ना बच्चों, इधर T3 लग रहा होगा, तो T2 माइनस का T3 जो होगा ना वो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L के बराबर होगा। तो T2 जो आ जाएगा ना बच्चों, 5m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर T1 होगा बच्चों, इधर T2 लग रहा होगा, T1 माइनस का T2 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो T1 जो है ना बच्चों, 6m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, T1, T2 एंड T3, तो 3 रेस टू 5 रेस टू 6 आ रहा है। 3 रेस टू 5 रेस टू 6 इज द आंसर। डन, ये था बच्चों हमारा 25 से लेके 31 तक दिए थे बस ना मैंने, नहीं 32 भी दिया था क्या? 31 तक दिए थे। 30 तक करते हैं आज डिस्कस ना, ओनली 30 तक बच्चों। कोई डाउट किसी को? 30 तक थर्टी तक बच्चों कोई डाउट किसी को? 30 तक 30 अप टू 30, 27, 28 एंड 30, 27, 28 अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ। अच्छा, ये मुझे अभी पढ़ाना है बच्चों ने, इसका मैं अभी ये कराऊंगा। ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट, 28 तो मैंने शायद कराया है आप लोगों को, वो कल अपन ने ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू जो पूछी थी, 28 तो कल कराया है ना मैंने इस तरीके का। 27 मैं कराने वाला हूँ अभी ना, 27 पढ़ाने वाला हूँ मैं तुम्हें ना। 28 तो कल कराया है बच्चों मैंने इस तरीके का। 30 वाला, द डम्बल इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, स्फेयर ए इज अटैच्ड टू द फ्रिक्शनलेस पिवट सो दैट वी कैन बी मेड टू रोटेट अबाउट ए विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, वी मेक्स वन रिवॉल्यूशन इन पीरियड पी, देन द टेंशन इन द रॉड इज, रॉड में जो टेंशन होगा ना वो टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू डी के बराबर होगा। डी दे रखी है डिस्टेंस ना, पीरियड पी जो दे रखा है ना बच्चों, पी होता है 2π/ω के बराबर। ओमेगा आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 2π/P के बराबर। तो टेंशन जो आ जाएगा ना एम
फोर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इंटू डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसका मास 2m है, तो 2m ध्यान रखना, 8m पाई स्क्वायर डी डिवाइड बाई पी स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक डन। तो सब्जेक्टिव को आज रोक देते हैं, डिस्कस नहीं करते, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं करते, यहां तक जो हो गया बहुत है, 30 तक डिस्कस हो गया हमारा ना, चलो आगे की पढ़ाई कर लेते हैं ना थोड़ी सी। चलिए भाई, सो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो मुझे आपको कराने हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 1। एक रिंग है बच्चों जिसका मास m दे रखा है, और ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और रिंग ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एज शोन। ठीक है, फाइंड द टेंशन डेवलप्ड इन दी रिंग। ठीक है, इस रिंग में बच्चों जितनी टेंशन डेवलप होगी दैट टेंशन वी हैव टू फाइंड। टेंशन जो डेवलप होगी ना बच्चों इस रिंग के अंदर, वो रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। होगा क्या बच्चों के ये जो रिंग है ना, अगर तुम इसके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो ना इस रिंग को, तो तुम्हें पता है हर एक टुकड़े को सेंट्रीपिटल देने की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें बच्चों का टेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इलास्टिक हो ना तो बच्चों ये एक्सपेंड कर जाएगी रिंग, अगर इलास्टिक हुई तो। बताओ भाई कैसे करेंगे इसको सॉल्व।
और ये क्वेश्चन बच्चों एक जगह नहीं, ये बहुत सारी जगह पर काम आने वाला है, मैं ना बहुत सारी जगहों पर इस क्वेश्चन को हम जो है डिस्कस कर रहे होंगे। सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट, टेंशन इन दी रिंग, टेंशन इन दी रिंग बच्चों यही कॉन्सेप्ट जो मैं आज यहाँ पर डेरिवेशन बताने वाला हूँ ना बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगा। यस, सीट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे ना, वही तो है बस, लैंग्वेज ही तो अलग कर दी है। अरे यूनिफॉर्म मास एम, नहीं लिखा हुआ है एम तो, अच्छा ये जो एम जो है ना बच्चे टोटल मास है, ध्यान रखना एम इज दी टोटल मास ऑफ रिंग, रिंग का टोटल मास है बच्चों, ठीक है, वो कहीं डिस्ट्रीब्यूशन से तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं वो, मास पर यूनिट लेंथ तो नहीं दे रखा। करते हैं बच्चों इसको ना डिस्कस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बच्चों, हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, बोलोगे सर ये छोटा एलिमेंट लग रहा है आपको, अच्छा अगर मैं बहुत ज्यादा छोटा बना दूंगा ना तो तुम्हें डायग्राम समझ में नहीं आएगा। हमने कहा कि ये डेल्टा थीटा का हमने एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, इसका ना एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसको हम एकदम पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इस टुकड़े पे कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। अब इस टुकड़े को बच्चों का तुम अपना सिस्टम मानो, तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि सर्कल में घूम रहा है टुकड़ा, तो मुझे इस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, किधर की तरफ तरफ चाहिए बच्चों, सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ बच्चों मेरे को एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मुझे इसका चाहिए, ठीक है, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका कुछ मास भी होगा बच्चों डीएम, ठीक है, डीएम की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एम पूरी रिंग का मास है, टोटल लेंथ बच्चों 2 पाई आर के बराबर है, इंटू आर इंटू डी थीटा, बच्चों बताओ जल्दी से डीएम यही होगा है ना, टोटल मास एम है बच्चों, टोटल लेंथ 2 पाई आर के बराबर है, इसकी छोटे से की लेंथ जो होगी आर इंटू डी थीटा के बराबर होगी, डीएम हो गया। तो मुझे नेट फोर्स बच्चों इस पे इधर की तरफ चाहिए, अच्छा इससे एलिमेंट इस जगह पे बच्चों इसको तोड़ लो रिंग को, तो एक तो ये नीचे वाला पार्ट बनेगा, एक ऊपर वाला बनेगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट पे फोर्स लगा रहा होगा ऐसे, और सिमिलर टाइप का फोर्स यहां पे लग रहा होगा ऐसे, ठीक है, ये हो गई बच्चों जो टेंशन डेवलप हो गई है ना उसकी वजह से इस एलिमेंट को इधर वाला पार्ट ऐसे खींच रहा होगा, ऊपर वाला पार्ट इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये गलत बना दिया मैंने ना, ठीक है, ये टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए जो यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रही है ना बच्चों, ये टेंशन, अच्छा अगर बच्चों तुम ये वाली लाइन ऐसे बढ़ा दो ना तो ये डेल्टा थीटा डिवाइड बाई या डी थीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल भी बच्चों डी थीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, तो टेंशन का तो ये एंगल डी थीटा डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, टी कॉस डी थीटा डिवाइड बाई 2, टी साइन डी थीटा डिवाइड बाई 2,
टी साइन डी थीटा डिवाइड बाई टू टी कॉस डी थीटा डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये 10 साल के बच्चों हमने कंपोनेंट कर लिए। अब इस वाले एलिमेंट में जो फोर्स लग रहा है ना बच्चों, उनके सबके कंपोनेंट भी मैंने कर लिए। आप ये देख रहे होंगे कि टी का इधर वाला कंपोनेंट और टी का इधर वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। टी का इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट इस एलिमेंट को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो एफ सेंट्रीपिटल जो होगा ना बच्चों, टू टी साइन डी थीटा डिवाइड बाई टू के बराबर होगा। तो 2t sin d थीटा बाई टू जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा वही इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। m मतलब dm into omega square into r के बराबर। हमें पता है कि d थीटा बहुत छोटा है तो sin के अंदर वाला एंगल बच्चों बाहर आ जाता है, तो ये बनेगा 2t d थीटा डिवाइड बाई टू। dm की वैल्यू बच्चों हमें वहां लिखी हुई है m डिवाइड बाई 2 पाई into d थीटा into omega square into r। डी थीटा से बच्चों डी थीटा कट जाएगा, टू से ये टू कट जाएगा, तो टेंशन जो डेवलप होगा ना बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई टू पाई के बराबर होगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बच्चों ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टू पाई के बराबर। ये टेंशन बच्चों इसके अंदर डेवलप होता है। हमेशा ऐसे ही पता करोगे बच्चों ना, टेंशन जो डेवलप होगा वो किसी ना किसी फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। टेंशन डेवलप होकर बच्चे यहाँ पे सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने का काम कर रहा होगा इस वाले केस में। गॉट इट? कोई परेशानी बच्चों? भाई टेंशन जो होता है वो हमेशा टेंजेंशियल लगता है। ठीक है, इस एलिमेंट को ये जो बाहर वाला पार्ट है ऐसे खींच रहा होगा, बाहर वाला पार्ट उस एलिमेंट को ऐसे खींच रहा होगा। उनके टेंशन के दोनों दो कंपोनेंट कर दिए अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ आया, ऊपर नीचे वाले कैंसिल आउट हो गए, अंदर की तरफ वाला सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे कर रहा है। गया, ठीक चल रहा है बेटा, समझ गए बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बाद बाकी यही मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या है बच्चों? एक रॉड है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है। ठीक है, मान लो कि ये टेबल है, इस टेबल पे रखी हुई है और यहां पर रोटेट कर रही है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल हो गई। ठीक है ना, ऐसे करके बच्चों ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। टोटल इसकी लेंथ बच्चों एल के बराबर दे रखी है। मास इसका एम के बराबर दे रखा है। आपको बताना है कि एक्स डिस्टेंस पे इसमें टेंशन क्या होगा। इसमें टेंशन बच्चों वेरिएबल आएगा, तो टेंशन इन द रॉड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम हिंज। बतानी बच्चों ना, ठीक है, तो हिंज से डिस्टेंस के साथ जो टेंशन होगा ना बच्चों, दैट वी हैव टू फाइंड। हिंज से डिस्टेंस जो आएगी उसके साथ जो टेंशन आएगा ये हमें बताना है बच्चों।
बच्चों कल कल के लिए, एक दिन के लिए जो क्लास है ना आपकी, कल वो 4 PM होगी। मुझे एक्चुअली कहीं जाना है, मुझे याद आ गया, बताना भूल गया था आपको। सिर्फ एक दिन के लिए 4 PM होगी कल का, थोड़ा टाइम चेंज करेंगे हम। करें भाई, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? एडवांस कॉन्सेप्ट है ये। यहां से बच्चों एक्स डिस्टेंस पे जाओ और एक एलिमेंट ले लो इस रॉड का ना, छोटा सा टुकड़ा बच्चों, तोड़ लेते हैं इसका ना, इसको फिल भी कर देते हैं, ठीक है भाई? तो हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस गए और डीएक्स लेंथ का बच्चों एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है? अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस, तो डीएम जो होगा ना बच्चों, एम डिवाइडेड बाई एल इंटू डीएक्स के बराबर होगा, यही होगा। अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना बच्चों, इसके ऊपर फोर्स लग रहे होंगे। एक्स डिस्टेंस पे मान लो टेंशन लग रहा है इधर, यहां लग रहा होगा बच्चों इधर। तो ये होगा अगर टी, तो ये होगा बच्चों टी प्लस का डी टी, और इसका एक्सेलरेशन चाहिए मुझे अंदर की तरफ, बिकॉज दिस इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एक्स। ये इस सर्कल में घूम रहा होगा, एक्स डिस्टेंस पर टेंशन मैंने टी माना है, मतलब ये जो पार्ट है ना इसको ऐसे खींच रहा होगा, ये पार्ट बच्चों इसको बाहर की तरफ खींच रहा होगा। भाई उसको उसको कौन खींच, इस वाले पार्ट पे ये अंदर लगा रहा होगा, तो इस एलिमेंट पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ये जो मैंने लगाया ना। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अंदर की तरफ आप टी मान रहे हो, उधर ज्यादा मान रहे हो और एक्सेलरेशन ऐसे लिख रहे हो। भाई देखो मैथमेटिकली तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना कि एक्स डिस्टेंस पे टी माना मैंने, तो एक्स प्लस का डीएक्स पे टी प्लस का डी टी मानते हैं हम, ठीक है ना? इस चीज को लिखूंगा तो मैं ऐसे ही माना कि एक्सेलरेशन अंदर की तरफ, वो अपने आप आ जाएगा, फिर वो डी टी नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन हमारा तरीका तो ये रहता है कि एक्स डिस्टेंस पर कोई चीज हमने टी मानी, तो एक्स प्लस डी एक्स पर हम डी टी प्लस का डी टी मानेंगे उसको। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, टी माइनस का टी प्लस का डी टी इज इक्वल टू डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे यस। तो देखो ये आ गया माइनस का डी टी इज इक्वल टू डी एम, डी एम आ जाएगा बच्चों एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको कर देना बच्चों इंटीग्रेट, इसमें लिमिट एक्स की वैल्यू एल होगी ना बच्चों, वहां पे टेंशन जीरो होगा उस एंड पे, फ्री वाले एंड पे। यहाँ टेंशन क्या होगा, जीरो। कुछ है क्या जिसको इसको घुमाना है, नहीं, ठीक है ना? ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी एक्स पे टेंशन टी मान लेते हैं, तो माइनस का टी माइनस का जीरो इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो टू को बाहर निकाल लेते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर आ गया हमारे पास ना। तो जो टेंसर आएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एल इंटू एल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आता है बच्चों यहाँ पे टेंशन जो इस रॉड के अंदर डेवलप होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब अगर मैं इसमें बोलूं तुमसे कि टेंशन एट मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक है ना? तो एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू एल इंटू एल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आया हमारे पास ना, ये टेंशन जो है क्या? ऑफ करना अफोर्ड कर सकते हो, क्या कहना चाह रहे हो आप? आदर्श, ये वाली बात समझ में आई बच्चों? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मिड पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा, टेंशन एट दी मिड पॉइंट, तो जो टेंशन का फॉर्मूला आया ना बच्चों एट एनी एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई टू एल, एल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये आ जाएगा। अच्छा नहीं, छुट्टी नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं कर सकते,
अगर मैं मिड पॉइंट पे टेंशन देखूं बच्चों, तो एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L, एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो टी एट मिड क्या आएगा मेरे पास, देखो 3 m ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड बाई 8 के बराबर, ये आ रहा होगा बच्चों मिड पॉइंट पे टेंशन। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनती है बच्चों। क्या कहानी बनती है कि मिड पॉइंट पे जब तुमसे कोई टेंशन पूछ रहा है ना इस जगह पे, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो बच्चों ये तो यहाँ पे तो हिंज हो रखा है, इसको तो घुमा रहे हो, इस वाले पार्ट को कौन घुमा रहा है, यहाँ पे लगने वाला टेंशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों पता है कैसे करते हैं हम इस मिड को अलग से बना लेंगे, ठीक है ना, उधर वाला जो हिस्सा है ना उसको अलग से बना लेंगे, और हम ये कहेंगे कि इस हिंज के अबाउट मुझे इसको घुमाना है, तो मुझे यहाँ पे जो टेंशन चाहिए होगा ना मिड पॉइंट पे, वो इसको घुमाने का काम कर रहा होगा। अब करते क्या है हम इसको बच्चों, इसकी लेंथ हो गई एल बाई टू के बराबर, मास हो गया बच्चों इसका एम बाई टू के बराबर, ठीक है, मास इसका एम बाई टू के बराबर हो गया। तो हम इसके मास को लाके कहाँ रख देंगे, इसके सेंटर पे। अगर तुम यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो ना बच्चों, तो ये 3 l/4 के बराबर आएगी, क्योंकि सेंटर जो होगा वो एल बाई फोर पे होगा, इधर वाले एंड से एल बाई फोर पे होगा। तो बच्चों ये वाली बात समझ में आई, तो 3 l/4 पे बच्चों, हिंज से 3 l/4 पे क्या है इसका सेंटर, और यहाँ मास कितना रखा है एम बाई टू। तो ऐसे करना बच्चों कि इस रिमेनिंग मास को ना इसको रिप्लेस कर देना पॉइंट मास से, और इसके ही सेंटर पर रख देना, तो इसका सेंटर बच्चे यहां से 3 l/4 पे आएगा, ठीक है, रख दिया। अब एक पॉइंट मास को जो कि 3 l/4 रेडियस के सर्कल में m बाई टू मास है, उसको घुमाने के लिए जो टेंशन चाहिए ना बच्चों, वो यहाँ पे मिड पे लग रहा होगा। टी एट मिड इज इक्वल टू मास m बाई टू है, ओमेगा स्क्वायर 3 l/4 रेडियस के सर्कल में इसको घुमाना है, तो टी एट मिड जो आ जाएगा बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी एम ओमेगा 3 m ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ जाएगा। लो जी, मिड पॉइंट पर जो टेंशन होगा बच्चों 3 m ओमेगा स्क्वायर एल बाई 4 के बराबर होगा। सो 3/4 m ओमेगा स्क्वायर एल will be the answer of the tension at the mid point. अगर कोई बोले, जैसे बोले कि टी एट एक्स इज इक्वल टू 3 l/4, मतलब इधर से 3 l/4 मतलब उधर से l/4, तो बताए मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा बच्चों। मैं l/4 को वो लास्ट वाला जो l/4 है ना, अरे भाई टी एट ये डिस्टेंस 3 l/4 है यहां से यहां तक की ना, 3 l/4, तो मैं 3 l/4 पे यहां पे लगने वाला टेंशन पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला l/4 है ना, इसके मास को m/4 मास को बच्चों मैं इसके सेंटर पर रख दूंगा, तो ये डिस्टेंस इधर वाला कितना होगा बच्चों l/8, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 l/8 के बराबर। तो टी एट एक्स इक्वल टू 3 l/4 पता है कितना आएगा, मास उसका विच इज m/4 ओमेगा स्क्वायर इंटू 7 l/8, तो 7 m ओमेगा स्क्वायर l/32, दिस विल बी द आंसर। तुम तो इस वाले मेथड को याद कर लो, देखा ये वाला समझ में आया तुम्हें, मिड पे कहीं पे भी टेंशन पता करना है तो जो उधर वाला पोर्शन है ना उसको उसके सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट मास की तरह मान लो, उसका मास उसके सेंटर मास पे पॉइंट मास की तरह रख दो, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक कार है बच्चों जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है,
इसका यू जीरो था पहले, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों ए नॉट के बराबर है, ठीक है, कांस्टेंट है। इफ अ कार स्टार्ट सर्कुलर मोशन विद कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए नॉट। देन फाइंड द टाइम व्हेन कार कार स्टार्ट स्लिपिंग। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चे यहां पे म्यू के बराबर दे रखा है, ठीक है। कार का मास एम दे रखा है, रेडियस इसकी आर दे रखी है, सर्कुलर ट्रैक की। बताओ भाई, सो ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इलस्ट्रेशन है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिस्कशन करा दो ना तो टॉपिक नहीं खींच पाता। ये मैंने एक चीज ये भी ऑब्जर्व की है, आज जो मैं टॉपिक खींचना चाहता था उतना करा ही नहीं पाया। कल वाली जो क्लास होगी बच्चों, सिर्फ सिर्फ मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा उस वाली क्लास में, ठीक है।
करें भाई, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को। चलो देखो बच्चों, किसी भी टी टाइम पे जो इसकी वेलो स्पीड होगी ना, वो ए नॉट इंटू टी के बराबर होगी, ठीक है? क्योंकि स्पीड जो है इसकी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है? ए नॉट की रेट से इंक्रीज हो रही है, तो भी बच्चों तुम्हारे पास ए नॉट इंटू टी के बराबर आ जाएगा। तो एक तो बच्चों इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होगा मुझे ना। क्या होगा सेंट्रीपिटल? ए नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर। सेंट्रीपिटल बच्चों ओमेगा स्क्वायर अपॉन सॉरी वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर अंदर की तरफ चाहिए। तो एक तो मुझे सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए और एक टेंजेंशियल फोर्स चाहिए। तो नेट फोर्स मुझे कितना चाहिए बच्चों? एफ टेंजेंशियल का स्क्वायर, एफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। तो नेट फोर्स जो मुझे चाहिए ना बच्चों, एम अगर कॉमन ले लूं तो ए नॉट का स्क्वायर प्लस ए नॉट की पावर फोर टी की पावर फोर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक है? एम इंटू ए सी का स्क्वायर करोगे ना आप यहाँ पे ये। और ये जो फोर्स है बच्चों लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी होना चाहिए। क्यों भाई? जो कार अगर एक्सलरेट होती है वो भी फ्रिक्शन की वजह से होती है, और सेंट्रीपिटल भी जो अंदर की तरफ मिल रहा होगा वो भी फ्रिक्शन दे रहा होगा। सरफेस के अलोंग तो बच्चों ग्राउंड के अलोंग तो सिर्फ फ्रिक्शन लग सकता है ना, नॉर्मल और एम जी तो उसके परपेंडिकुलर होंगे। तो ये दोनों के दोनों प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उसको सर्किल पर भी रखेगा, फ्रिक्शन ही उसको एक्सेलरेट होने में मदद कर रहा है। तो ये आएगा बच्चा हमारे पास, तो यहां से ए नॉट का स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर टी की पावर फोर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड बाई मतलब म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। तो टी आ जाएगा बच्चों, टी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए नॉट की पावर फोर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस का ए नॉट का स्क्वायर की पावर 1/4। दिस विल बी द आंसर बच्चों, ठीक है? इससे छोटे के लिए तो सर्कुलर मोशन होगा, इसके बाद स्किड करना चालू कर देगा। इसके बाद बच्चों स्किडिंग होना चालू हो जाएगी, स्लिप हो जाएगा। चले भाई, एक्सरसाइज टू के सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन तो तुम्हें पहले करने करने, साथ ही साथ सेक्शन बी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? बी सेक्शन, ए और बी सेक्शन कंप्लीट। कल वाली जो क्लास होगी बच्चों उसमें हम लोग जो है कल जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा एट 4 PM, ठीक है? शाम को 4 बजे मिलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? कल वाली क्लास में बच्चों मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा इसको ना, सर्कुलर मोशन को, ठीक है भाई? चलो।